नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़े विषय के ऊपर। आज फेसबुक पे एक बात साझा करी थी कि क्या फर्क है ज्योतिषी पंडित जी ही एस्ट्रोलॉजर में। वैसे तो ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर दोनों लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। एक जैसे शब्द क्यों हैं? एक उसका अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ है और एक उसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है, तो हुए तो दोनों एक जैसे ही। लेकिन फर्क क्यों है और क्या है? जब हमने ज्योतिष को बहुत कम उम्र में सीखने की जिज्ञासा रखी कुल परंपरा के अनुसार, हमारे जो पंडित जी आते थे राधे श्याम मिश्र, एक लंबी सी चोटी, माथे पे गोल सा तिलक, बहुत ही अद्भुत उनका रूप था। गांव में रहा करते थे, कभी कोई बात पूछनी होती थी दादाजी को तो बुला के उनसे पूछते थे, अरे मिस्टर को बुलाओ, ये बात पूछो। कोई मुहूर्त निकालना है, अरे राधे मिस्टर जी को बुलाओ और ये बात पूछो। धीरे धीरे जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। एक ऐसे परिवार में जहाँ कुल परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पैदा होने का सौभाग्य था, तो धीरे धीरे ज्योतिष की जिज्ञासा भी हुई। एक सौभाग्य भी रहा कि बहुत सारी चीज़ें कुल परंपरा और उन ज्योतिषियों और पंडित जियों से सीखी जो आम तौर से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स से भिन्न है। लेकिन ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी तकनीक या तुरंत जवाब देने की क्षमताएं हैं जो हम बहुत देर तक जन्मपत्री में ढूंढते ही रहते हैं। मुहूर्त के ऊपर कई बार ये देखा गया कि अभी तो एक मुहूर्त को लेके ही बहुत असमंजस बना हुआ है कि ये मुहूर्त क्या है या मुहूर्त नहीं है। चलिए मुहूर्त से ही चर्चा शुरू करते हैं। मुहूर्त को लेके एक चर्चा है कि सामान्यतः जो अच्छे संस्थानों से पढ़े एस्ट्रोलॉजर्स, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर्स, उनसे मैंने कई बार कोशिश की, मैंने कहा इस घटना के लिए या इस शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त बताएं, तो पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, सोचते रहे, विभिन्न प्रकार के वर्क कुंडलियाँ, तिथियाँ सब देखी उन्होंने, फिर बड़ी मुश्किल से बहुत देर बाद जाके एक मुहूर्त निकालने की कोशिश करी और फिर उसमें भी जाके उलझ गए। लेकिन यही जो अनुभव है, अगर हम अपने नज़दीकी धर्मस्थान मंदिर में जाके अगर पंडित जी से पूछते हैं तो बहुत देर नहीं लगाएंगे वो, और आपके सामने 5-6 मुहूर्त बता देंगे, इस तारीख को कर सकते हैं, इस तारीख को कर सकते हैं, इस तारीख को कर सकते हैं, और कुदरती लोग कर भी रहे हैं। तो क्या आधुनिक एस्ट्रोलॉजर वो चीज़ें नहीं जानते हैं, या जो पंडित जी हैं वो ज़्यादा जानते हैं? दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है,
मेरे आचार्य ये कहा करते थे कि कई बार ज़्यादा गणित फलित खराब करता है, दूसरा ज़्यादा लिखने से नंबर ज़्यादा नहीं मिलते, स्पेलिंग मिस्टेक के कट जाते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बातें आपके हमारे जो पुराने पंडित जी हैं उस समय जो टेवा बनाते थे, जन्मपत्री बनाते थे, कुंडली बनाते थे, उसमें लिखी थी इस वर्ष में शादी होगी, स्वास्थ्य ऐसा रहेगा, बहुत हद तक उसकी बातें सटीक भी हैं। जो आज हम कई कई गणनाओं के बावजूद भी निकालने में या तो बहुत ज़्यादा समय ले पा रहे हैं या उसको निकाल ले पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहारिक ज्ञान और कुल परंपरा से मिला हुआ व्यवहारिक ज्ञान, तीसरा ज्योतिष के ग्रंथों का पठन और उनको श्रवण करना और उनको अंदर उतारना, आत्मसात करना, तीसरा उसके साथ आधुनिकता को भी जोड़ना, तब जाके कोई एक घटना, समय, मुहूर्त, उपाय, परिहार बताने के थोड़ा सक्षम होता है व्यक्ति। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, प्रचलन आ रहा है, वो थोड़ा सा मन को कई बार पीड़ा देता है कि इतनी प्राचीन विद्या, इतनी जीवन को दिशा दिखाने वाली विद्या जो हमें रोशनी देती है वो है ज्योतिष, उसका कहीं कहीं कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। आज तो खैर कोई ज्योतिष के ऊपर चर्चा थी भी नहीं, और पीछे थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ रहा था, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यवहारिकता और शास्त्रीय प्रामाणिकता एवं आधुनिकता, अगर इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ के चलेंगे तो हमारे परिणाम, हमारा कार्य बहुत ही उत्तम रहेगा। अन्यथा बार बार हम देखते ही रहेंगे कि ये ठीक है या ये ठीक है। मेरे आचार्य ये कहा करते थे कि हवा में घूमती हुई किसी चीज़ को पकड़ कर और सामने पेश कर देना, और सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि ये कैसे बताया आपने, वो कला होनी चाहिए। ये उनका आशीर्वाद है। हम वहाँ तक तो शायद कभी ईश्वर के आशीर्वाद से पहुंचने में एक समय लगेगा, लेकिन हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए। धन्यवाद। खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सूर्य राहु की दीप्तांशों से, राहु के तो दीप्तांश होते नहीं हैं, लेकिन सूर्य के दीप्तांश 15 हैं जहाँ तक वो अपने पिछले ग्रह को असर कर सकता है। तो वो निकल गए हैं, अब धीरे धीरे आप ये देख भी रहे हैं संक्रमण काल के अंदर कई प्रकार की औषधियाँ, रोग निवृत्ति, लोग ठीक होने का दायरा भी बढ़ रहा है। फिर भी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा। और अगर किसी को मेरी बात थोड़ी अप्रिय लगी हो तो उसके लिए विशेष क्षमा। बहुत जल्दी नई श्रृंखलाओं के साथ फिर आरम्भ करेंगे अपना विषय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। प्रणाम। क्षमा।